तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे स्टूडियो में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन है हमारे ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी कोई सीमा नहीं। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु क्या है। जी दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अंटार्कटिका। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? ऑप्शन है हमारे ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या डी इंडोनेशिया। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल, नेपाल का पवित्र गाय पशु है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मोहिनीअट्टम कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है? ऑप्शन है हमारे ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर या डी कर्नाटक। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत के पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है हमारे ए सन 1950, बी 1972, सी 1980 या डी 1992 में। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन 1980 में हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है हमारे ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड या सी मीथेन या डी हाइड्रोजन। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति या डी शुक्र। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला हरदयाल, सी कांशीराम या डी महात्मा गांधी। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार पटेल या डी खुदीराम बोस। जी दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह कहाँ का संबंध किससे है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो के अंत में ये भी लिख दें कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है हमारे ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष।
चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।